से जो है सब वोट के जरिए जाते हैं टापू। मैंने आप सबको टापू दिखाया था, आपको जो है यहीं से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट खिड़की लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है अंदर जाने के लिए। गलती के चक्कर में लोग कहाँ कहाँ चढ़े जा रहे हैं। एक यहाँ बैठी हुई है, बैग यहाँ पटका है दोनों ने, और एक वहाँ चढ़ी है। सो गाइस अभी जो है हम पुरानी वाली आना सागर चौपाटी में आ चुके हैं और अब जो है हम धीरे धीरे चल के न्यू आना सागर चौपाटी जा रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड साथ में, आप सब देख सकते हैं। आज वो कितनी बार मैंने बोल दिया मेरी फ्रेंड साथ में, आज मैं इतनी खुश हूँ। तो जा रहे हैं, चलते हैं और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का व्यू। और आना सागर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, एक बार मैं आप सबको दिखा देती हूँ, देख लीजिए पीछे का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आगे चलते हैं। क्या हुआ? पानी का लेवल भी ऊपर हो रहा है, मछली भी दिख रही है। हाँ। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं आप सबको दिखाती हूँ मछली। आप सब देख सकते हैं मछली बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में, आप सबको दिख रहा होगा काफी खूबसूरत लग रही है। बड़ी है, छोटी, बड़ी छोटी, हाँ सब है। इनको हाथ में ले तो डर लगे ना, मर जाएंगे। हाँ वो बहुत प्यारी लग रही है कलर की। आज तुमको सबको घुमाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं सोच रही पूरा घुमा दूं तुमको सबको। पता नहीं अब कब मिलना हो, कब ना मिलना हो। नीरू पता नहीं भीलवाड़ा से कब आएगी। और लीला तो पता नहीं मसूदा से कब आएगी, जोधपुर। हाँ जोधपुर से कब आएगी, इसलिए आज एंजॉय कर लेते हैं। 15-20 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दे ही सकते तुम दोनों। तो गाइस अभी जो है पुरानी आना सागर चौपाटी है, अब धीरे धीरे चल रहे हैं और पहुंचने वाले हैं। और न्यू आना सागर चौपाटी में काफ़ी भीड़ रहती है, शाम को भी वहां पे जहां पे आई लव अजमेर लिखा हुआ है वहां पे बहुत लोग सेल्फी खिंचवाते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत, अभी मौसम भी शानदार, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए शेर बना है, लीला शेर पर बैठ के फोटो खिंचवाएगी क्या? अरे ये तो देख सकते हैं काफी सुंदर मौसम हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाती फिर आप सबको। पुरानी वाली आना सागर चौपाटी खत्म हो गई, अब न्यू आना सागर चौपाटी हम जाने वाले हैं। देख सकते हैं इधर साइड से अब जा रहे हैं। चलो 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 अरे बहुत सारी मछलियाँ हैं, आपको दिख रही है मछलियाँ कि नहीं? दो मछलियाँ दिख रही हैं कि नहीं? दिखी नहीं मुझे। हाँ यार इसमें भी दिख रही है, मुझे लग रहा है दिख रही है ना, दिख रही है। इतनी सारी मछलियाँ हैं आना सागर चौपाटी, और वो रहा टापू, वहाँ एक रेस्टोरेंट भी है। हाँ बहुत मजा आता है वहाँ पे जाने में। किसमें बैठते हैं? जहाज में, बोट में। यहाँ बोट में बैठते हैं फिर जाते हैं वहाँ पे, खूब इंजॉय करते हैं। अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, बस हम ऐसे ही घूम रहे हैं। मछलियाँ देख सकते हो, बहुत ही सारी मछलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। हाथ में लूँगी तो डर लगेगा, वैसे मर जाएंगी बेचारी। अरे वाह यार बहुत ही ज़्यादा है। गाइस अभी जो है हम न्यू आना सागर चौपाटी आ चुके हैं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ आई लव अजमेर, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर सेल्फी खिंचाने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि कोई ना कोई आके सेल्फी खिंचाता रहता है। तभी मेरी फ्रेंड्स खिंचवाने वाली हैं, तो उनकी सेल्फी में जा रही हूँ खींचने। यहाँ का भी काफ़ी व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, आप सब देख सकते हैं। और ये मेरी दोनों फ्रेंड्स फोटो के चक्कर में खड़ी हैं कि सेल्फी खींचे, आप जा रही हूँ कि मैं सेल्फी खींचने, बाद में मिलती हूँ आप सबसे। फ्रेंड्स अभी जो है हम न्यू आना सागर चौपाटी और पुरानी आना सागर चौपाटी दोनों घूम लिए। वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धूप सी महसूस हो रही थी, इसलिए हम वहाँ से जल्दी चले आए, वहाँ पे मज़ा नहीं आया। तो इसलिए अब जो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बारादरी और आना सागर झील देखने जा रहे हैं। तो आज हम कहाँ कहाँ घूमे? सुभाष उद्यान, दौलत बाग, न्यू आना सागर चौपाटी, पुरानी आना सागर चौपाटी, अब जा रहे हैं आना सागर देखने और आना सागर झील देखने और बारादरी। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इन्जॉय करेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। अब इधर से जा रहे हैं, अभी इधर देख सकते हैं
इधर का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। और इधर आना सागर दिख रहा है, आना सागर झील दिख रहा है आप सबको। तो काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो चुका है इधर साइड में। और अभी जो है झरने नहीं चल रहे, मतलब एक झरना यहाँ पे आने वाला, जो मैं जिधर से हम चल रहे हैं तो झरना आने वाला, लेकिन वो झरना भी चल नहीं रहा होगा। और अभी फाउंटेन भी नहीं चल रहे हैं, तो शाम के वक्त आते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अभी आए हैं क्या करें, अब इनको घर भी जाना है। शाम के टाइम हम ये रुक नहीं सकते हैं, बहुत दूर दूर से आई है मेरी फ्रेंड्स, मैं तो चली जाऊँगी लेकिन दोनों नहीं जा सकती, इसलिए तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। तो देख सकते हैं सेल्फी के चक्कर में लोग कहाँ कहाँ चढ़े जा रहे हैं। एक यहाँ बैठी हुई है, बैग यहाँ पटका है दोनों ने, और एक वहाँ चढ़ी है। ये सेल्फी के चक्कर में कहाँ गई, आ जा गिर जाएगी। चोट लग जाएगी। बैग यहाँ पटका है और खुद ऊपर चढ़ी है, क्या बात है। तुम सबने बहुत सारी फोटो खिंचवाई यहाँ, एंजॉय करना चाहिए। इधर देखना, अच्छा लगा बहुत। और अभी कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम कहाँ चल रहे हैं, बारादरी और अनासागर झील। चलो ठीक है, और क्या टिकटॉक वीडियो बनाओगी। कहाँ झंडे आते हैं, झंडे इधर भी अभी बंद पड़ा है। तो गाइस आप सब देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और काफ़ी जगह घूम भी लिया, अब जा रहे हैं बारादरी, और वहाँ पे तो बहुत भीड़ है, चलते हैं वहीं मिलते हैं। और एक नया रास्ता निकाला है हमने, वहीं से निकल रहे हैं, बहुत पतले रास्ते देख सकते हैं, अच्छा है, तो शॉर्टकट पड़ेगा इसलिए इधर से जा रहे हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, तो यहाँ से जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं वहीं पर। फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं पीछे, अभी हम सब जो है आना सागर झील पहुंच चुके हैं, और देख सकते हैं यहाँ से जो है सब बोट के जरिए जाते हैं टापू। मैंने आप सबको टापू दिखाया था, तो देख सकते हैं कितनी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं जो जा रहे हैं यहाँ से और टापू के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छी जगह घूमने की, तो चलिए फिर देख सकते हैं, वहाँ बारादरी दिख रही है। अभी हम सब वहाँ चलते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते हैं, और यहाँ का भीड़ आप सब देख ही सकते हैं। और मेरी फ्रेंड्स नज़ारा देख रही हैं पानी का, तो चलिए फिर चलते हैं, और इधर से ही चलना है, इधर साइड से चलते हैं। फिर आपको जो है यहीं से टिकट लेना पड़ेगा, टिकट खिड़की लिखा हुआ देख सकते हैं, तो यहीं से टिकट लेना पड़ता है, और फिर जो है आप बोट के जरिए जा सकते हैं टापू घूमने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है अंदर जाने के लिए, बोट पे जाने के लिए कितने रुपये में, मोटर बोट प्रति व्यक्ति 100 रुपये, स्पीड बोट प्रति व्यक्ति 200 रुपये, लग्जरी बोट प्रति व्यक्ति 200 रुपये। तो देख सकते हैं रेट लिखा हुआ है और टिकट यहीं से लिया जाता है। फ्रेंड्स अभी जो है हम बारादरी आ चुके हैं, और देख सकते हैं कितनी भीड़ है, मैं आप सबको दिखाती हूँ, इधर देखिए बहुत भीड़ है। और ये है आना सागर झील, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो काफ़ी शानदार है यहाँ का, और मौसम भी काफ़ी शानदार हो रहा है, बहुत मस्त। तो चलिए चलते हैं आगे दिखाती हूँ, और आज तो एंजॉय कर ही रहे हैं हम सब बहुत ज़्यादा, मेरी फ्रेंड्स भी एंजॉय कर रही हैं। तो अब यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर और फिर घर जाएंगे, क्योंकि तो बहुत घूम लिया, थक गए क्या? नहीं थके नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे पैर दर्द होने लगे, पैर दर्द तो होने लगे खूब घूमा ऐसे, तो तब यहाँ पे एंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, चाय भी मिल रही है, चाय पीनी है क्या? नहीं, चलो ठीक है। अभी जो है हम आना सागर झील के पास में जो है गार्डन है, वहाँ बैठे हुए हैं, और हमने जो है ये देखिए इतना सारा पापड़ खरीदा, हम जा रहे हैं खाने इसको, क्योंकि बहुत थक गए हमने जो काफी जगह घूमा, दौलतबाग घूमा, मतलब सुभाष उद्यान और आना सागर चौपाटी घूमी, और अब यहाँ पे आए हैं आना सागर झील और बारादरी घूम लिए, तो यहाँ पे गार्डन है, वहाँ बैठे हुए हैं, और हम जा रहे हैं अब ये खाने पापड़, तो खाते हैं। गाइस अभी जो है हम सब ने जो है यहाँ आना सागर झील और बारादरी घूम लिया, देख सकते हैं, और यहाँ पर अभी
शांति का माहौल है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं अभी, और बारादरी में ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर भीड़ है, वहाँ पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं लोग। मेरी फ्रेंड्स ये बैठी हुई हैं, पापड़ खा रही हैं, खा लिया है सब, ख़त्म हो गया, मैंने भी खा लिया। तो अब हम घूम चुके हैं, अब हम यहाँ से निकलेंगे, बस 5 या 10 मिनट और रुकेंगे बस, अब ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, और यहाँ से निकल के निकलेंगे, फिर घर जाएंगे, सब अपने अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊँगी। गाइस अब हम सब घूम चुके हैं, काफ़ी जगह घूमे और अब थक चुके हैं। अब बताओ अब थके हो कि नहीं? थक गए है ना, अब ये थक गए हैं और खूब मस्ती की हमने, खूब सेल्फी खिंचवाई और खूब झूला झूले और खूब मतलब खूब एंजॉय किया आज पूरा दिन, फुल एंजॉय किया और कम से कम 4-5, 7-8 घंटे एंजॉय किया। अब इनको दूर दूर का दूर घर है तो इनको घर भी जाना, शाम हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी हम जो है आनासागर झील है, आनासागर और बारादरी घूम लिया है यहाँ पर, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो बस यही था, तो फ्रेंड्स बाय बाय कर दो, अरे सुंदर बाय बाय कर दो, बाय फ्रेंड्स बाय। बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा हमारी फ्रेंड्स से मिलके, बहुत ही एंजॉय किया। एक सर्वीली, एक चंचल, एक कुछ नहीं बोलती। तो फ्रेंड्स आप सबको मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो बोलो ना लाइक करें, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरी फ्रेंड्स भी बोल चुकी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।